नीदरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने जा रहा है पाकिस्तान का 22 साल का तूफानी बल्लेबाज। पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ बाबर आजम और इमाम उलक से भी खतरनाक बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम अपने सबसे शानदार फॉर्म में चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली थी, जहां पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज एक एक की ड्रॉ पर खत्म हुई है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को नीदरलैंड का दौरा करना है, जहां पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कुल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। पहला वनडे मुकाबला मंगलवार 16 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला गुरुवार 18 अगस्त को खेला जाना है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला रविवार 21 अगस्त को खेला जाना है। ये तीनों ही वनडे मुकाबले हमें भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए एक सबसे खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री टीम में करवा दी है। आपको बता दें कि हाल ही में इस खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में तूफानी अंदाज में शतक जड़ते हुए पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। इस खिलाड़ी के पास मैदान के हर दिशा में शॉट लगाने की काबिलियत है। ऐसे में नीदरलैंड के खिलाफ ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेगा तो हर किसी की निगाहें बाबर आजम पर नहीं बल्कि इस खिलाड़ी पर ही रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्ला सफीक है। अब्दुल्ला सफीक ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 160 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर से नीदरलैंड के खिलाफ भी ये खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच में ही कैसा प्रदर्शन करता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। Thank you.